हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। अभी सुबह के वक्त रहा है और सुबह के 7 बज रहा है अभी। पर अभी चाय पी रहे हैं, यहाँ पर देखे हमारा पानी वाला चाय, और वहाँ पर अप्ता जी अपने खाना बना रही है चूल्हे पर, और पूरे धुआं धुआं कर दी है। देखिए चारों तरफ धुआं धुआं कैसे हो रहा है। क्या क्या खाना में बनेगा? भात बनाएंगे, दाल बनाएंगे, मटर। भात, दाल, मटर। तो आज चावल बनेगा और दाल बनेगा और मटर का सब्जी बनेगा ना। तो जाते हैं छत के ऊपर। आज मेरा छोटा भाई है ना, एक तो छोटा, सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पर लटा हुआ है, पढ़ने नहीं जाएगा। हाँ, अभी 7 बजने जा रहा है, अभी तक सोता है, लेटा ही रहा, बिस्तर पर लेटा रहा। तो चलते हैं अभी छत पे, देखते हैं क्या मौसम है। और यहाँ पर आप बेरुआ, इससे हम लोग दौरा दौरी बनाते हैं छोटा छोटा, तो यहाँ पर बिगा हुआ है। और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ धूप लग रहा है, ऊपर धूप लग रहा है। 7 बजे के करीब में इतना ज़्यादा धूप लग रहा है ना, कि लग रहा है कि 12-1 बज रहा है जैसे। बहुत ज़्यादा कुछ कड़क धूप हो गया सुबह सुबह में। और देखिए कितना मस्त मौसम दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग का पूजा पाठ करने वाला सामान है। देखिए यहाँ पर पूजा पाठ यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देखिए ड्रैगन फ्रूट का पौधा है, कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और इसमें से बिग रहा है अभी छोटा एक। और यहाँ पर तुलसी का पौधा है, पर ड्रैगन फ्रूट पूरे 7 पीस है। अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा कुछ चाय पी लिए और बहुत ज़्यादा कुछ धूप लग रहा है। तो अभी दोस्तों नीचे की तरफ उतर गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ धूप उगा है सुबह सुबह में, बहुत ज़्यादा कुछ धूप उगा है। तो चाय भी पी लिए और मस्त चाय पी करके रेडी हो गए। यहाँ पर रख दे रहे हैं चाय, और यहाँ पर भी चाय है। देखिए मम्मी के लिए खाना रखता जी, मम्मी अभी नहीं खाइए। और दादी, तो दादी कहाँ पे गई है? अपने दियादिन के घर। दियादिन हम लोग का दादी लगेगी, दादी हम लोग का दादी लगेगी वो अभी। तो दादी के घर दादी गई है भेंट करने के लिए। और दोस्तों मस्त खाना पीना बन गया है। और देखिए यहाँ पर दाल है और चावल और मटर और आलू का सब्जी बनाया है ना रखता जी। हाँ जी। और यहाँ पर कुकर में दाल, यहाँ पर कढ़ाई में सब्जी, और उस डेक्ची में तासला में चावल है, इसमें दाल है। मस्त दाल भी बन गया है। और देखिए सब्जी कैसे बनाई है रखता जी, होटल की सब्जी जैसे बनाई है। हाँ, तो चलते हैं मस्त खाना पीना खाते हैं और काम करने के लिए अपना चलते हैं। और दोस्तों मस्त खा पी करके रेडी हो गए, पर आज जाना है काम करने के लिए। तो रफ्ता जी यहाँ पर बैगों सब रेडी कर रही है, कौन सा कपड़ा लेकर के जाना है और कौन सा कपड़ा यहीं पे छोड़ना है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा ले जाने से कोई फायदा नहीं है, सब हर में सब मैल हो जाता है ना, तो खींचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो 2-3 सेट कपड़ा ले लेंगे, उसके बाद में जाएंगे। हाँ रफ्ता जी, एक तौली भी रख दीजिएगा। रफ्ता जी यहाँ पर सर आ रही है सब कपड़ा, जींस रख दीजिए, जींस दोनों, हाँ दोनों जींस रख दीजिए ना, हो जाएगा ये भी। हाँ वो सही है, आने जाने के लिए कहीं पे पहन करके मोबाइल मत करिएगा। और ये वाला शॉर्ट रख दीजिएगा, ये वाला शॉर्ट निकाल देते हैं, ये वाला निकाल देते हैं। और ये वाला भी रहने दीजिए ना, सही रहे काम करने में, पहन करके कहीं निकाल दीजिए। ये वाला शॉर्ट रख दे, रख देते हैं वो शॉर्ट, ये वाला रहने दीजिए। ये वाला बहुत ज्यादा कुछ मोटा है, ये तो जाड़ा के महीने में ना पहनने के लिए है ना रखता जी। हाँ ये हाई शॉर्ट रख देता है अभी, ये जाड़ा के महीने में पहनने के लिए नहीं, तो इसे रख दे रहा है अभी यहीं पे घर पे ही। तू जींस से दूर शॉर्ट रख देता है, आओ डाल दे, रख दे। और यहाँ पर इसमें क्या क्या है देखो, और रख दीजिए ना, एक कच्चा
ये क्या है, ये भी रख लीजिए सेट। इतना सारा सामान तो रेडी कर लिए जाने के लिए रत्ता जी घर पे। अब वो वाला छोड़ दीजिए कि रख दे, नहीं रहने दीजिए, पहनेंगे नहीं, कुछ भी नहीं लगाएंगे। एक बेस्ट ये शॉर्ट लगा लेंगे, बैग बैग क्या बैग, क्या बाराती में जा रहे हैं? कोई बात नहीं, हो जाएगा। फुल लगा लेंगे इस पैंट, फुल लगा लेंगे, नहीं तो बेस्ट पे ही चले जाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ दूर नहीं जाना है, दूर नहीं है। तो अभी तो बैग रेडी हो गया है यहाँ पर, और आएगा आदमी आएगा ना बुलाने के लिए, तो जाएंगे काम करने के लिए। निकाल लीजिए ये वाला, निकालो ना यार, तीन मिनट के काम हो जाएगा ये वाला। बटन सब लगा दिए हैं, देखो ना पहले सब बटन लगा दिए, वो वाला नहीं ले जाएंगे, छोड़ दीजिए। और अभी दोस्तों लाइन भी कट गया, और सुबह में भी लाइन कट गया था, 4 बजे के करीब में, 3:30 बजे के करीब में ऐसा भी लाइन कट गया था। बहुत ज्यादा कुछ गर्मी हो रहा है, रात भर सोए नहीं, और अभी रात भर सोए नहीं है, पूरे नींद के मारे वैसा भी हालत खराब है। कभी लाइन दे रहा है, कभी लाइन काट रहा है, कभी लाइन दे रहा है, कभी काट रहा है, वैसे ही कर रहा है। बहुत ज्यादा कुछ तकलीफ है लाइन से, और बहुत ज्यादा कुछ गर्मी हो रहा है, हार्ड है ना। पंखा चलता है तो सही रहता है, नहीं तो बहुत ज्यादा कुछ गर्मी हो रहा है। सबसे बढ़िया हैंड पंखा, नहीं तो बत्ती बिल लगेगा, नहीं कुछ भी। ये तो सही है हैंड पंखा, ऐसे करके हवा खा सकते हैं, पर ये भी ज्यादा देर तक डुला नहीं सकते है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ जल्दी में हाथ दुख जाता है ना, दुखता है। बानी हो गया, आप लोग को बानी है, हम लोग का तो बानी नहीं है ऐसे डुलाने में। रत्ता जी मैगी खा रही है, कैसा लग रहा है मैगी? मसाला ही नहीं है, मसाला नहीं है, और मैगी में आज पोपट हो गया है, मैगी में मसाला नहीं दिया, मसाला रखना लग रहा है कंपनी वाले ने भूल गया होगा, है ना रत्ता जी? और दोस्तों मैं कल नहीं जा पाया काम करने के लिए, और आज जा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि आज आप सभी लोगों को दिखाया कि कहाँ पे जा रहे हैं, और ब्लॉग शूट करते जाए, और क्योंकि कल थोड़ा लेट हो गया था तो ब्लॉग भी एंड नहीं किए थे, तो सोच रहे कि चलते हैं, देखते हैं किस जगह पे जा रहे हैं। काम करने के लिए जा रहे हैं, 5-6 दिन के लिए काम है, तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कौन सा काम रहता। चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा कुछ लंबा बन गया है, और इस ब्लॉग पे एंड करते हैं यहीं पे, और जा करके वहाँ ब्लॉग बनाएंगे, शूट करेंगे, और वहाँ का सीन दिखाएंगे, और खूबसूरत खूबसूरत व्यू दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। Bye-bye, beautiful family.